नमस्कार, मैं हूं अमन सर और आयल्स नगर कैथल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। अगर आप एक भारतीय हैं और बांग्लादेश घूमने जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका भालोबाशा या बंधु भी बांग्लादेश के किसी कोने में जी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ओके, थैंक यू। अगर आप भी सोचते हैं कि वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा से जबरदस्त होता है स्टिकर वीजा तो ये वीडियो आपके लिए। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और कंट्री की वीजा प्रोसेसिंग को लेकर। हालांकि ये कंट्री भारतीय लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर नहीं है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह। बात सही है। और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप देख सकें और देखकर खुश हो सकें। और वैसे भी वहां पर रहना, खाना और खरीदारी करना बिल्कुल ना के बराबर है। आप बांग्लादेश क्या जाएंगे, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही पश्चिम बंगाल और कोलकाता में पड़ा रहता है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए आते रहते हैं। वैसे तो बांग्लादेश भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश की आजादी में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ बांग्लादेशी लोग अभी भारत के एहसानों को भूल चुके हैं। चलिए, खैर, हम भी उन बातों पे नहीं जाएंगे, हम भी इतिहास के पन्नों को दोबारा से नहीं पलटेंगे। अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो बांग्लादेश का टूरिस्ट स्टिकर वीजा आपको फ्री में मिल जाता है। उसके लिए क्या क्या करना होगा, कहाँ कहाँ जाना होगा, कितना खर्च आएगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, ये सब कुछ आपको मैं इसी एक ही वीडियो में बता देता हूँ। बांग्लादेश टूरिस्ट वीजा आपको फ्री में मिल जाता है और ये आपको सिंगल एंट्री भी मिलता है और उसके साथ साथ आपको ये मल्टीपल एंट्री भी मिल जाता है। दिल्ली से ढाका आने जाने की फ्लाइट आपको ओनली 12,000 में मिल जाती है और ये आपको घंटे के अंदर अंदर ही ढाका पहुंचा देते हैं। अगर आप फ्लाइट में नहीं जाना चाहते तो आप बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी इच्छा है, ये आपका डिसीजन है। आप कोलकाता से ढाका डायरेक्ट बस भी ले सकते हैं जो लगभग 9 से 10 घंटों में आपको वहां पर ढाका में पहुंचा देगी। अगर मैं बस के शुरुआती फेयर की बात करूं तो शुरुआती फेयर यहां पर 2000 से शुरू हो जाता है। ये बात आपको मैं दोबारा फिर कह देता हूं कि ढाका के लिए आपको कोलकाता से डायरेक्ट बस मिल जाएगी जो आपको 9-10 घंटे में ढाका में पहुंचा देगी, जो वाया चिटागोंग जाएगी या फिर किसी और रूट से भी जा सकती है। और इनका शुरुआती जो फेयर होता है वो लगभग 2000 रुपये से 2000 से शुरू हो जाता है। कोलकाता से ढाका और ढाका से कोलकाता बस चलती रहती हैं, आप इनका फायदा उठा सकते हैं, आप इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपने एम्बेसी के लिए अपनी पिक्चर्स निकलवा लेनी है। 35x45 mm की आपने अपनी पिक्चर करवा लेनी है। आप अपने आसपास के किसी भी फोटो स्टूडियो में जाइए और इस साइज की फोटो बनवा लीजिए। और आपको याद रखना चाहिए कि आपकी फोटो का जो साइज है वो 35x45 mm का होना चाहिए और उसका साइज 300 KB से नीचे होना चाहिए, 300 KB से नीचे होना चाहिए। अगर वो 300 KB से ऊपर हुआ तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास आपकी फोटो आ जाए तो आपको बस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बांग्लादेश के लिए वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए आपको मैं ले चलता हूं मेरे मासूम से कंप्यूटर की तरफ। बांग्लादेश वीजा एप्लीकेशन आपने गूगल पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, बांग्लादेश ऑनलाइन MVR पोर्टल। ये वेबसाइट वही है जहाँ से आपने अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप आयल्स नगर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी वीडियोज़ बहुत आ चुकी हैं और आगे आती भी रहेंगी। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का हमारा चैनल है जहाँ पर अभी तक सभी के सभी फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स नहीं पहुँचे हैं। अगर आप नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ पर पहुँचिए, हमें वहाँ पर फॉलो करें। तो चलिए अब हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि आपने क्या करना है।
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बांग्लादेश मशीन रीडेबल वीज़ा MRV। यहाँ पर आप फीस चेक कर सकते हैं कि आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए कितनी फ़ीस लगती है, और वहाँ पर ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इंडिया के लिए कितनी फ़ीस है वीज़ा की। यहाँ पर सभी कंट्रीज़ हैं और सभी कंट्रीज़ के लिए फ़ीस अलग अलग है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंडिया का नाम ढूँढूँ और इंडिया के सामने अगर देखूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है USD 0, मतलब इंडिया के लिए वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है। अभी फ़िलहाल कोई फ़ीस नहीं, आगे आप जब भी अप्लाई करेंगे 2025-26 में तो चेक करके अप्लाई करिएगा। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है। ईमेल एड्रेस मेंशन करिए और फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दीजिए, उसी ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे और कोड फिल करेंगे तो आपके ये फॉर्म की तरफ ले जाएगा, और फॉर्म में जो पार्ट वन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी करंट लोकेशन चूज कर लेनी है। आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया चूज करिए। इसके बाद अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो की जो फाइल है वो फाइल को यहाँ पर चूज कर लीजिए। फाइल को चूज करने के बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर वो फ़ोटो दिख जाएगी जो आपने अभी अपलोड की थी, उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। अब आप मेंशन करिए कि आपका पासपोर्ट में नेम क्या है। अपना फर्स्ट नेम मेंशन करें, अपना लास्ट नेम मेंशन करें, और आप वीज़ा पर क्या नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं आप देखिए कि आपका वही नेम हो जो आपके पासपोर्ट में है। तो वीज़ा पर जो नेम आपका आएगा प्रिंट होके वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। फर्स्ट नेम भी आपने वही लिख देना है जो आपके पासपोर्ट में है, और सरनेम भी आपने वही लिख देना है। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, जो आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस लिखा है परमानेंट आपका, आपने वही एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। आपने करंट एड्रेस मेंशन नहीं करना, आपने अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है, और आपके पासपोर्ट के लास्ट के पेज पे लिखा भी होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आपने अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन करें। बांग्लादेश में आप कहाँ पर रहेंगे आप वो मेंशन करें। आपका जो होटल का एड्रेस है, जहाँ पर भी आपका होटल है, जो होटल बुकिंग आपने करनी है या जो भी होटल आपने सिलेक्ट कर रखा है बुकिंग करने के लिए, उसका एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उस होटल का एड्रेस और उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है। अपना सेक्स आप यहां पर मेंशन कर दीजिए, मेल या फीमेल। आपका बर्थ कहां पर हुआ था आपके पासपोर्ट में लिखा होता है वही आपने यहां पर फिल करना है। आपकी बर्थ कंट्री कौन सी है वो मेंशन कर दीजिए, आपने इंडिया ही मेंशन करना है यहां पे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, क्या आप बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं, यहां पर यहां से एक सूटेबल कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, यहाँ पर मेंशन करिए। ऑर्गेनाइजेशन आपने मेंशन करने की नीड नहीं है, आपने बस सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पार्ट टू में है कि आपकी वीज़ा की इनरोलमेंट टाइप क्या है। मैं न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, न्यू एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर न्यू वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक कर दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके पास अपना लॉगिन एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर आप इसको कहीं पर लिख के रख लें, कहीं पर इसको सेव कर लें, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएगा। ये जो एप्लीकेशन आईडी और उसका पासवर्ड यहाँ पर है, आप इसे कहीं ना कहीं सेव कर लें। इसके बाद पार्ट 3 है ट्रैवल डॉक्यूमेंट।
अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करें। आपके पासपोर्ट का टाइप कौन सा है, आपके पासपोर्ट का टाइप कौन सा है वो मेंशन करें। ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा आपके पास, जाहिर सी बात है। आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, कहीं से भी, वो मेंशन करें, पासपोर्ट में लिखा होता है। आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर मेंशन करें। आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, क्या आपने कभी पहले बांग्लादेश विजिट किया है वो मेंशन करें यहाँ पे। अगर आपने विजिट किया तो यस पे क्लिक करें, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। पार्ट फोर में पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है। जैसा मैंने आपको बताया है कि आपकी तो पेमेंट लगनी ही नहीं है, आपने फीस नहीं भरनी है, तो आप इसको स्किप करके आगे चले जाएंगे। न्यू वीज़ा एप्लीकेशन में आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, आपने आपका पर्पस बताना है। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस वीज़ा, स्टडी के लिए जा रहे हैं तो स्टडी वीज़ा, लेकिन आप तो टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं इसलिए आप टूरिज़्म सिलेक्ट कर लेंगे। आप कितने दिन बांग्लादेश में रुकने वाले हैं ये बताइए, कोई 10 days, 7 days, जितने दिन आप रुकने वाले हैं वो बताइए। आप बांग्लादेश में कब आने वाले हैं वो डेट बताइए, एक एस्टिमेटेड डेट आपने यहाँ पर बतानी है। आपको कितनी एंट्री चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए। आप यहाँ पर मल्टीपल एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। एक्चुअली बताऊँ, जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला था, क्योंकि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ और मेरा टूरिज़्म या टूरिस्ट इंडस्ट्री से वास्ता है। जब मैंने क्लाइंट के लिए अप्लाई किया था, वो क्लाइंट जॉब पे था, वो जॉब करता था, तो उसको मल्टीपल एंट्री की बजाय सिंगल एंट्री वीज़ा दिया गया था। मतलब आप चाहे सिंगल एंट्री मेंशन करिए, आप चाहे मल्टीपल एंट्री मेंशन करिए, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही वीज़ा ऑफिसर आपको सिंगल या मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है। फिर भी आप यहाँ पर मल्टीपल एंट्री ही सिलेक्ट कर दीजिएगा, अगर आपको मल्टीपल एंट्री मिलता तो बेस्ट है, नहीं तो सिंगल एंट्री तो मिल ही जाएगा। इसके बाद है बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ एफ एम पे क्लिक कर देना है और उसके बाद न्यू दिल्ली सिलेक्ट करना है। एफ एम पे क्लिक करने के बाद न्यू दिल्ली सिलेक्ट करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आ जाएगी, आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं एम्बेसी को अपनी एप्लीकेशन के साथ, आपने इस पर टिक मार्क कर देना है। देख लीजिए सभी डॉक्यूमेंट कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। हालांकि इसमें से वैसे तो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट, आप अगर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप कोई एफिडेविट दे रहे हैं, आप फोटो दे रहे हैं, या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं अपनी कंपनी की, जो भी आपके पास है। अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हैं, आप अदर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। आप अदर्स पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को नीचे जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में नहीं है वो आप यहाँ पर नीचे मेंशन कर सकते हैं। ये मेंशन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये लास्ट पार्ट है। बांग्लादेश वीज़ा एप्लीकेशन में सिर्फ 7 ही पार्ट होते हैं, फर्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके लास्ट तक वीज़ा चेकलिस्ट तक। ये है आपका फॉर्म जो आपने अभी फिल किया, एक बार आप देख लीजिएगा इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर आप बांग्लादेश हाई कमीशन की बात करें, जो न्यू दिल्ली में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म ऐसा ही है, कई बार आप न्यू दिल्ली सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कई बार थाईलैंड सिलेक्ट हो जाता है। आपने मेंशन तो न्यू दिल्ली किया था लेकिन ऑटोमेटिक वो कई बार गलती से मिस्टेकनली थाईलैंड सिलेक्ट हो जाता है, तो सबमिट करने से पहले एक बार देख लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आप नीचे टिक मार्क करके उसको सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट पे जा सकते हैं। थैंक यू, योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी आपने जो आगे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको फॉलो करना है। वही इंस्ट्रक्शन हैं जो मैंने अपनी
अपनी वीडियो में बताया है वही है सेम टू सेम। यहाँ पर लिखा है कि आपको एक कॉपी हमने ईमेल कर दिया, वैसे तो ईमेल आती नहीं, लिखा है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमने एक फॉर्म कॉपी आपको मेल कर दी है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई मेल इनकी तरफ से नहीं आती है फॉर्म फिल करने के बाद। बस आप नीचे देखिए, आप अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हैं तो नीचे व्यू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं, और वरना उससे नीचे डाउनलोड एंड प्रिंट कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप बस उस पर क्लिक करके अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। वीज़ा एप्लीकेशन वही है, वही फॉर्म है जो आपने अभी भरा है और आपने ये अपने साथ लेकर जाना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने अभी फिल किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो फिल करने के बाद कैसा दिखता है। ये वो फॉर्म है जो मैंने अभी भरा है, और यहाँ पर कुछ टिक मार्क जो मैंने ऑनलाइन फॉर्म में किए थे वो यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं आएंगे, इस फॉर्म में वो हट जाएंगे। इसी वजह से मैं पैन के साथ मेंशन कर दूंगा, जैसे कि सिंगल या मैरिड, और उसके ऊपर मेल फीमेल। देखो यहाँ से सब टिक मार्क हट चुके हैं, तो मैं पैन के साथ भी यहाँ पर टिक मार्क कर दूंगा, और इसके लास्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका सिग्नेचर चाहिए, राहुल कुमार के ऊपर राहुल अपना सिग्नेचर कर देगा, और वहाँ पर डेट तो पहले से ही मेंशन है। तो ये है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बांग्लादेश एम्बेसी के लिए, इसमें और कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपने इस पर सिग्नेचर करना है। ये फॉर्म आपने ऐसे ही भर लेना जैसे मैंने आपको बताया है। इस फॉर्म की और इस वेबसाइट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाना, और जैसा जैसा मैंने आपको बताया है वैसा वैसा इसे भर देना, और भरने के बाद इसे सेव कर लेना, और सेव करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल लेना। अब आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी सेव किया उसकी दो कॉपीज निकाल लें। आपने एक उसकी कलरफुल फोटोकॉपी निकालनी है, उसके साथ साथ आपने एक अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी निकालनी है। इसके बाद आपकी जो दो फोटोज आपने करवाई हैं, वही फोटोज आपने अपलोड की है, वही सेम टू सेम वही फोटोज, वही दो फोटोज आपने इस फॉर्म के ऊपर जो कलरफुल वाला है उसके ऊपर आपने चिपका देनी है, मतलब आपने चाहे स्टैपल कर देनी है। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए। जितने भी दिन आप बांग्लादेश में रुकने वाले हैं, जितने भी दिन आप बांग्लादेश में ठहरने वाले हैं, उतने ही दिन की आपको होटल बुकिंग चाहिए। आप उसे किसी भी वेबसाइट से बुक कर लें, और बुक करने के बाद उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें और अपनी एप्लीकेशन में शामिल कर लें। इसके बाद आपने कवर लेटर बना लेना है। अगर आप कवर लेटर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कवर लेटर का सैंपल दे रखा है, वो पूरी की पूरी टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लें और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें चेंज कर लें, मतलब उसमें जो लिखा हुआ है वो अपने अकॉर्डिंग आप बदल लें, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लें, और उसे आप अपनी एप्लीकेशन में शामिल कर लें बाद में, और उसके साथ साथ जो कवर लेटर आप बनाएंगे, जो कवर लेटर मैंने आपको दिया उसको चेंज करेंगे, तो लास्ट में अपना नेम लिख के आप उस पर साइन भी कर दीजिएगा। इसके बाद आपको जॉब या बिजनेस का प्रूफ चाहिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं, तो आपको NOC की जरूरत पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे बनवाना, तो उसका एक सैंपल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से उसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके वहां से जहां भी आप काम करते हैं वहां से बनवा लें। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपने बिजनेस का कोई भी प्रूफ उसके साथ अटैच कर देना। इसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, लास्ट 3 मंथ्स की या लास्ट 6 मंथ की आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, लेकिन वो बैंक से ही आपको निकलवानी पड़ेगी, बैंक से ही वो स्टैंप होनी चाहिए, उसमें कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। अगर आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड करके लेके जाते हैं, कॉपी करवा के लेके जाते हैं, तो वहां पर वो लेने से मना कर देंगे। ये बात आपको मैं दोबारा फिर कह देता हूँ, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 3 मंथ्स की या 6 मंथ की जितनी भी है, और उसमें कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए, और वो बैंक के द्वारा स्टैंप होनी चाहिए। अगर आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड करके लेके जाते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करके कॉपी करके लेके जाते हैं, तो वहां पर वो उन्हें लेने से मना कर देंगे। ITR अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, आप उसे अपनी एप्लीकेशन में जोड़ सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है। है तो लगा लें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपने अपनी आधार कार्ड की एक कॉपी और उसके साथ साथ पासपोर्ट की एक कॉपी, एक फोटोकॉपी उसमें शामिल कर लेनी है। कन्फर्म फ्लाइट टिकट आपको नहीं चाहिए, कन्फर्म फ्लाइट टिकट आपको नहीं चाहिए, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबके सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आपने दो कॉपी करवा लेनी है, एक कलरफुल और एक ब्लैक एंड व्हाइट। आपको दो फोटोज की जरूरत पड़ेगी।
फिर आपको होटल बुकिंग की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। अगर आप इम्प्लॉई हैं तो आपकी NOC लगेगी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का कोई प्रूफ आपको चाहिए। ITR अगर आपके पास हो तो लगाइए, अगर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एयर टिकट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ साथ एक आधार कार्ड की फ़ोटो और एक पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी आपने ज़रूर लेके जानी है, वो भी सबमिट होगी, और बैंक स्टेटमेंट जिसमें कम से कम 1,00,000 रुपये तो हों। आप ये मत मेंशन करना कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर आप ऐसा मेंशन करेंगे तो आपसे वो इनविटेशन लेटर मांगना शुरू कर देंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं आपको मेंशन करने की आप किसी से मिलने जा रहे हैं। आप सिर्फ अपना रीजन बनाइए टूरिज्म का कि आप वहाँ पर कुछ प्लेसेस को विजिट करने जा रहे हैं, बाकी कुछ प्लेसेस के नाम मैंने वहाँ पर कवर लेटर में लिख दिए हैं, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब आपने कर लिए सब डॉक्यूमेंट्स रेडी, आपकी बन गया पूरी प्रोफाइल, आपकी बन गया पूरी फाइल, अब आपको ये फाइल सबमिट करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये फाइल सबमिट कहां पर करनी है। आपको VFS के ऑफिस में नहीं जाना है, VFS ग्लोबल बांग्लादेश एम्बेसी के साथ काम नहीं करता, VFS ग्लोबल बांग्लादेश वीज़ा एप्लीकेशंस को ट्रांजिट नहीं करता है। अगर आप फिर भी VFS ग्लोबल के ऑफिस में चले जाएंगे, अगर आप फिर भी VFS के पास चले जाएंगे तो आपके साथ शायद कुछ ऐसा हो सकता है। तो भाई आपको जाना है बांग्लादेश एम्बेसी जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में है, आप जाइए बांग्लादेश एम्बेसी में जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में है, और वहां पर मंडे टू फ्राइडे 10 to 12 o'clock के बीच में सबमिशन होती है, 10 से 12 बजे के बीच में वहां पर सबमिशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, आपने वहां पे जाना है। आपको कहां जाना है और कैसे जाना है, लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूं। आप अपनी फाइल उठाओ और निकल जाओ अपने शहर से दिल्ली की तरफ। अगर आप कैथल से जाना चाहते हैं तो 5:30 AM 5:30 मॉर्निंग में यहाँ से बस चलती है ISBT के लिए, तो वो बस पकड़ लें। अगर आप किसी और शहर से हैं, चाहे आप किसी भी शहर से हों, आपको जैसे तैसे किसी भी बस के सहारे या आपको जैसे तैसे ISBT पर पहुँचना है और 9 बजे के आसपास तक आपको सुबह पहुँच जाना है। अगर आप 100-200 किलोमीटर से आ रहे हैं तो शायद आपको भूख भी लगी होगी, तो चलिए आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करवा देता हूँ। तो राम निकला है, देव मानुष निकला। जैसे ही आप ISBT से बाहर निकलेंगे तो आपको ये फूड प्लेस मिल जाएगा। ISBT के आसपास सिर्फ यही एक फूड प्लेस है जहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं। ये है वो लिस्ट, ये है वो आइटम्स जिन्हें आप वहाँ से लेकर खा सकते हैं, तो कुछ टाइम बैठिए और आराम से खाइए। अगर आप मेरी बात मानो तो आप यहाँ से छोले भटूरे लेके खा सकते हैं, वो लगभग ठीक है। इसके बाद अगर आप छोले भटूरे नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ से चपाती और राजमा लेके खा सकते हैं, वो भी लगभग ठीक है, वो भी लगभग खाने लायक है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है जिसे आप खा सकते हैं। हाँ, इसके बाहर आपको चाय जरूर मिल जाएगी, इसके साथ ही आपको चाय जरूर मिल जाएगी, तो चाय के 2-3 कप आप ठोक लीजिएगा, इससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसके बाद आपको मेट्रो पकड़नी है। इसके बिल्कुल ही बगल में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 7 है, वहाँ पर एंट्री मारो। वहाँ पर एंट्री मारते ही आपको वहाँ से टिकट लेनी है, और आपको वहाँ से टिकट लेनी है डायरेक्ट दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन की। वहाँ से आपको टिकट लेनी है दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन की। अगर वहाँ पर भीड़ लगी हो, वैसे तो कश्मीरी गेट पर बहुत भीड़ लगी होती है, अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो मैं आपको मेट्रो का एक नंबर दे देता हूँ, वो नंबर आप सेव कर लीजिएगा, उससे आप अपनी टिकट्स को व्हाट्सएप पे ही खरीद पाएंगे। आप अपनी टिकट्स को जहाँ भी आपको जाना है आप उस नंबर पे ऑर्डर करना, उस नंबर पे ऑर्डर करते ही आपकी जो टिकट्स हैं वो डिजिटली बुक हो जाएंगी और आपके वो व्हाट्सएप पे ही आ जाएंगी, जिसके सहारे आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है और आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ से टिकट लेना चाहते हैं वहाँ से ले लो, अगर आप मोबाइल फ़ोन से बुक करना चाहते हैं तो मैं नंबर दे देता हूँ, उस पे से बुक कर लेना। आपको टिकट कहाँ की बुक करने, याद रखना है कश्मीरी गेट से दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन की। टिकट लेने के बाद येलो लाइन पे चलते रहें, आपको येलो लाइन पे चलते रहना है, और वो जो ट्रेन जाएगी, वो जो मेट्रो जाएगी, वो हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से,
और वहां पर हुड्डा सिटी सेंटर शायद नहीं लिखा होगा, वहां पर मिलेनियम सिटी सेंटर लिखा होगा गुरुग्राम की तरफ, मतलब गुरुग्राम की तरफ, गुड़गांव की तरफ मिलेनियम सिटी सेंटर वहां पर लिखा होगा बोर्ड्स पे। हुड्डा सिटी सेंटर शायद आजकल वहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपने वही देखना है। और वहां देख के आप प्लेटफॉर्म नंबर एक पर चले जाइए, येलो पाए को पकड़ के रखें। प्लेटफॉर्म नंबर एक पे पहुंचने के बाद आपको ध्यान रखना है कि मेट्रो की दिशा में, गाड़ी की दिशा में जो पहला या फिर दूसरा या फिर दोनों डब्बे जो होते हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप महिलाओं के बीच में खड़े रह जाएं खोए खोए और मेट्रो के कर्मचारी आपको आकर बोलें। मेट्रो में बैठे बैठे आप पहुंच जाएंगे दिल्ली हाट INA मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर आपको अपनी ट्रेन चेंज करनी है, जहां पर आपको अपनी मेट्रो चेंज करनी है। वहां से मेट्रो से बाहर निकल जाइए और मेट्रो से बाहर निकलते आप पिंक लाइन पर चलते रहें। वहाँ पिंक निशान बने होंगे, वो पिंक लाइन पे आप चलते रहे, पिंक लाइन पे बने रहें। आपको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ, उसी मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ चले जाइए। वहाँ पर लिखा होगा कि ये जो मेट्रो अभी आएगी वहाँ पे, वो मजलिस पार्क की तरफ जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जो मजलिस पार्क की तरफ जाएगी, आपने उसी मेट्रो में बैठ जाना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ YouTube पर आपको लोग कहेंगे, कुछ YouTube पर बैठे हुए लोग आपको कहेंगे कि आपको सर विश्वेश्वरैया मेट्रो स्टेशन पर उतर जाना है, लेकिन आपको उस मेट्रो स्टेशन पर नहीं उतरना, आपको दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन पर ही जाना है। क्योंकि वो जो पिछला मेट्रो स्टेशन है सर विश्वेश्वरैया मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आपको बांग्लादेश की एम्बेसी बहुत दूर पड़ती है। एक तो वहाँ से आपको ऑटो नहीं मिलता, और दूसरा वहाँ से चलते चलते आप थक जाएंगे, वहाँ से चलते चलते आपके सांस फूल जाएं, क्योंकि वहाँ से दूर पड़ता है। आप जाइए सीधा दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ से सिर्फ बांग्लादेश एम्बेसी कुछ ही कदमों की दूरी पर है, जहाँ से आप चल के भी जा सकते हैं और वहाँ से आप सिर्फ ऑटो लेके भी जा सकते हैं। दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको गेट नंबर 2 से बाहर निकल जाना है। आप गेट नंबर 1 से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप दूसरी साइड में चले जाएंगे और आपको आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या आपको वापस आना पड़ेगा। आप दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद सिर्फ गेट नंबर 2 से ही बाहर निकलेंगे। जैसे ही आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलेंगे, आपको ये रोड दिख जाएगा। इस रोड के पास ही यहाँ पर बहुत सारी ऑटो खड़ी होंगी, आप 20-30 रुपए देके ऑटो में भी जा सकते हैं, या फिर आप थोड़ी ही दूर है पैदल भी चल सकते हैं। जैसे आप थोड़ी दूर चलेंगे तो आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन मार्ग दिख जाएगा। आपने इस मार्ग पे मुड़ जाना है, आपने इस रास्ते मुड़ जाना है। जैसे आप इस रास्ते मुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी गाड़ियां आगे खड़ी हुई नजर आएंगी, और उन गाड़ियों को जैसे ही आप पार करेंगे तो आपको बांग्लादेश की एम्बेसी दिख जाएगी, आपको बांग्लादेश की एम्बेसी नजर आ जाएगी। आपने गेट नंबर 1 पे नहीं जाना, आपने गेट नंबर 2 पे भी नहीं जाना है। आप थोड़ा साइड में ध्यान देंगे तो वहां पर गेट नंबर 3 होगा, और वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े हुए मिलेंगे आपको। वहां पर गेट नंबर 3 पे बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े हुए मिलेंगे, जिन्होंने किसी ने अपना फाइल सबमिट करनी है, किसी ने अपना पासपोर्ट वहां से उठाना है। गेट नंबर 3 पे आपने भी खड़े हो जाना है। वो गेट लगभग 10:15-20 के आसपास ओपन हो जाता है, 10:25 या 10:20 के आसपास वो गेट ओपन हो जाता है। जैसे वो गेट ओपन होगा तो आपने वहां से एक एक करके एंट्री मार लेनी है। वो आपको एक एक करके अंदर बुला लेंगे, और अंदर बुलाते ही आपको पहले वो चेक करेंगे। आपको चेक करने के बाद आप जो बैग आपके पास होगा उसको भी चेक करेंगे, और आपका मोबाइल फ़ोन वो वहीं रख लेंगे। आपका मोबाइल फ़ोन रखने के बाद आपको वो एक टोकन दे देंगे, आपको एक पर्ची भी दे देंगे। वो टोकन और पर्ची और वो बैग आपको वो अंदर ले जाने देंगे। वहाँ पर एक रूम होगा, सीधे देखेंगे वहाँ पर एक रूम होगा, तो आपने उस रूम में एंट्री मार लेनी है। वहाँ पर बहुत सारी चेयर्स पड़ी होती हैं, आप उसे किसी भी चेयर पर बैठ जाइए। सामने दो काउंटर होते हैं, आप वेट करिए वहाँ पर किसी वीज़ा ऑफिसर के आने का। वैसे तो आप पहले पहुँच जाते हैं, पहले पहुँच के आप वहाँ पर बैठ जाते हैं, और वीज़ा ऑफिसर आपके बाद आता है। उस काउंटर पर जैसे ही वीज़ा ऑफिसर आ जाएगा तो वो लाइन वाइज सीरीज वाइज बोलना शुरू कर देगा, टोकन वाइज बुलाना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आपका नंबर आए, आपने वहाँ पर जाके उसके पास जाके डॉक्यूमेंट्स आपने अपने उसको दे देने हैं। वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ नहीं पूछता, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो चुपचाप अपना वहाँ पर खड़ा रहेगा, आप भी चुपचाप खड़े रहेंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट ले लेगा, और डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो कुछ चेक करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं या नहीं हैं, या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं नहीं हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप किसी की भी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं, किसी की भी, अपने फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की, आप किसी की प्रोफाइल वहाँ पर दे सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स की प्रोफाइल वहाँ पर दे सकते हैं, मतलब मैं जब वहाँ पर जाता हूँ तो अपने क्लाइंट की प्रोफाइल लेके वहाँ पर जाता हूँ, तो मैं खुद ही उन्हें सबमिट कराता हूँ। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई इससे दिक्कत नहीं है कि कौन किसकी प्रोफाइल सबमिट कर रहा है, बस डॉक्यूमेंट वहाँ पर पूरे होने चाहिए। और वो आपसे कुछ पूछते नहीं, एक भी सिंगल सवाल आपसे वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर दो वीज़ा ऑफिसर होते हैं जिनमें से एक लगभग ठीक है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन पहले सबमिट कर रहा है। वहाँ पर भीड़ लग जाती है, जैसे कि आप किसी दुकान में आए हो, जैसे आप किसी मार्केट में आए हुए हैं, आप वहाँ पर देखेंगे कि लोग पहले अपनी प्रोफाइल सबमिट कर रहे होंगे, टोकन वाइज कोई सिस्टम नहीं है। और एक वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर इतना खड़ूस है, एक वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर इतना डिसिप्लिन वाला है कि आप उसके पास भी खड़े नहीं हो सकते जब वो किसी का डॉक्यूमेंट ले रहा होगा। सब लोग चुपचाप बैठे होंगे, सबको सांप सूंघ जाएगा वहाँ पर जब वो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पर होगा। तो वैसे ही जैसे अगर वो किसी का डॉक्यूमेंट देख रहा है और आप जाके वहाँ पर खड़े हो जाएं कि आपने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो आपको वो बोलेगा कि चुपचाप जाके आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, जब आपका टोकन का नंबर आएगा तब आप आइएगा। कोई बायोमेट्रिक नहीं होता, कोई पूछताछ नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी बांग्लादेश के लिए क्या इंटरव्यू देना, बांग्लादेश के लिए क्या बायोमेट्रिक करवाना, कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। डॉक्यूमेंट वहाँ पर पकड़ाओ, डॉक्यूमेंट फेंको वहाँ पर, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर आप फ्री हो जाएंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर आप वहाँ से फ्री हैं। आप अब वो टोकन आपके पास है तो जाके गेट पे अपना मोबाइल फ़ोन वापस ले लीजिए, और एक पर्ची आपके पास रहेगी, वो पर्ची आप रखे रहिए अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो आपके जो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म आपने उसको दिया था या फिर आपने उसको एक कोई फोटोकॉपी दी अपने आधार कार्ड की, पासपोर्ट की, तो उसके ऊपर वो डेट डाल देगा। वैसे तो वो 7 दिन का टाइम देते हैं, 7 दिन बाद आप अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। 7 डेज की डेट वहाँ पर वो ऑफिसर वहाँ पर डाल देगा कि 7 दिन बाद अपना पासपोर्ट यहाँ से उठा के ले जाना। कुरियर सर्विस वो नहीं देते। अगर आपके मन में आए कि मैं एक काम करूँगा, पासपोर्ट दे आता हूँ और कुरियर वहाँ से आ जाएगा, कुरियर सर्विस एम्बेसी नहीं देती है, एम्बेसी कुरियर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। आपको अपना पासपोर्ट वहाँ से खुद ही लेके आना होगा, और जब आप वहाँ पर दोबारा जाएंगे अपना पासपोर्ट लेने के लिए तो आपको वो पेज अपने साथ लेके आना होगा जिस पे वीज़ा ऑफिसर ने टाइम लिखा था, जिस पे वीज़ा ऑफिसर ने डेट लिखी थी। और वीज़ा सबमिट करने का टाइम भी 10 to 12 के आसपास होता है, और वहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट करने का टाइम भी 10 से 12 के आसपास होता है। जब 7 दिन बाद आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पर वीज़ा चिपका हुआ होगा, आपके पासपोर्ट पर बांग्लादेश का टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पर लगा हुआ होगा, और ये देखकर आपको बहुत खुशी मिल जाएगी, ये देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्यों भी ना हो, आपने मेहनत किया थोड़ी बहुत वहाँ पर, हालांकि वीज़ा फ्री है लेकिन मेहनत तो आपकी लगी है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका भाई, आपका मैं भी खुश हो जाऊँगा कि आपके पासपोर्ट वीज़ा लग गया, आपका पहला वीज़ा हो सकता है शायद वो, और आप खुश रहिए। अब आपको मेट्रो से वापस जाना है, जहाँ से कश्मीरी गेट से आप आए थे वहीं पर आपको वापस जाना है। अगर आपको 1% भी कहीं भी दिक्कत आती है, आपको मेट्रो का सिस्टम समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन कहाँ पे है, येलो लाइन का मतलब क्या है, पिंक लाइन का मतलब क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दे देता हूँ, उस वेबसाइट पर जाओ, वो ऑफिशियल वेबसाइट है मेट्रो की, DMRC की वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए। वहाँ से जहाँ से आप जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप जा रहे हैं, डेस्टिनेशन वहाँ पर भरिए, आपका पूरा रूट आपके सामने आ जाएगा, पूरा रूट आपके सामने आ जाएगा, और आपका कितना किराया लगा, कितना फेयर होगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, टाइम भी आपके सामने आ जाएगा। आपको जिंदगी भर आपको मेट्रो को समझने में कभी परेशानी नहीं होगी, जिंदगी में कभी आपको मेट्रो को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होगी। बस जहां भी आप जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन को भरिए, और पूरा का पूरा आपके सामने सिस्टम निकल आएगा, पूरा का पूरा आपके सामने रूट निकल आएगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, और जितना साफ, जितना क्लियर आपको मैं बता रहा हूं, जितना स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उतना कोई माई का लाल यूट्यूब पे आपको नहीं बता सकता, उतना साफ आपको कोई दिखा भी नहीं सकता, क्लियर आपको कोई समझा भी नहीं सकता। तो एक लाइक तो और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपका वीज़ा आ जाए तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपका वीज़ा आ चुका है और आप बिल्कुल मौज में हैं। क्या आपके मन में यह भी आएगा, क्या मैं अपना वीज़ा को ट्रैक कर सकता हूँ? वैसे देखो बांग्लादेश में ऐसे कोई सिस्टम नहीं होता। हाँ, ऑप्शन है, आप अपने वीज़ा को ट्रैक कर सकते हैं। 7 दिन आप कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है 7 दिन आपके मन में चल रहा होगा कि मैं काम करूँ, अपना वीज़ा ट्रैक कर लूँ कि क्या आया है नहीं आया है। जब आप उसको वेबसाइट पर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि आपका वीज़ा आया है नहीं आया है, तो कभी वो रिफ्यूज़ दिखाएगा, कभी अप्रूव दिखाएगा, कभी अंडर प्रोसेस दिखाएगा, कभी अप्रूव, कभी रिजेक्ट, कोई सिस्टम नहीं है। और आप बांग्लादेश एम्बेसी से और आपको वीज़ा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप और क्या चाहते हैं उनसे, आप जान लेंगे क्या आप उनके? भगवान, ये मैटर नहीं करता कि वहां पर क्या लिखा है, ये मैटर नहीं करता कि वहां पर वेबसाइट पे क्या आ रहा है, कि रिफ्यूज आ रहा है, अप्रूव आ रहा है, को भूल जाइए आप उसे। आपको चेक ही नहीं करना है, 7 डेज आपको कुछ नहीं करना, बस जाके 7 डेज बाद आप अपना पासपोर्ट वहां से पकड़ लाना, उस पर पक्का वीजा लगा हुआ होगा, आपका वीज़ा वहाँ पर आ चुका होगा, वेबसाइट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं कि वेबसाइट पे कैसे चेक करते हैं, तो चलिए भाई आपको वो भी बता देता हूँ लगे हाथों। अगर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो आपने उसी वेबसाइट पर वापस आ जाना है और उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
इसके साइड में है वीजा स्टेटस। आपको जो एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड मिला था आपने यहाँ पर वो फिल करना, अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मेंशन कर दें, और मेंशन करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ स्टेटस का कोई मतलब नहीं बनता, बांग्लादेश एम्बेसी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, आपका स्टेटस कुछ नहीं आएगा, कभी रिफ्यूज आ जाएगा, कभी अप्रूव आ जाएगा, कभी अंडर प्रोसेस आएगा। आप उसको एक बार अगर आप उसको ओपन करेंगे तो रिजेक्ट आ जाएगा, अगर आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो अप्रूव आ जाएगा, दोबारा फिर से अगर आप उसको रिफ्रेश कर देंगे तो वो बताएगा कि वो अंडर प्रोसेस है। तो इस पर भरोसा करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपका वीज़ा 7 डेज बाद आप जाके उठा लाइएगा, इसको चेक करने की आपको नीड नहीं है। तो वीज़ा आपको मिल जाएगा, खुश रहिए, वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा, खुश रहिए। मुझे अभी इजाज़त दीजिए, मैं पहले से ही बहुत बोल चुका हूँ, अभी मैं बोलूँगा किसी और टॉपिक पर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।